हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हस्मिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ केएफसी स्टाइल पनीर नगेट्स की रेसिपी। एकदम क्रिस्पी होने वाले हैं ये, एज आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। तो थे ना एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी एंड सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इसकी कोटिंग बना सकते हैं कि ये तेल में जाने के बाद एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और साथ ही मैं आपसे शेयर करूंगी एक मयो की डिप जो की बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ खाने में। सो इस क्रिस्पी करारे केएफसी स्टाइल पनीर नगेट्स की रेसिपी बनाने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर डेयरी से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो भी पनीर आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो केएफसी स्टाइल पनीर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। सो यहाँ पर जो पनीर है उसे हमें क्यूब्स में काटना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर के 4 पीसेस करे हैं, इक्वल साइज के पीसेस हमें करने होंगे। एंड देन मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो ये स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं बाद में खाने में। सो यहाँ पर हमें जो पनीर है वो उसे क्यूब्स में काटना होगा। जब हम क्यूब्स में काटते हैं तो वो खाने में इजी हो जाते हैं और अंदर से भी काफी टेस्टी एंड जूसी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर क्यूब्स काट कर रख लिए हैं। मेरे यहाँ पर 18 क्यूब्स निकल कर तैयार हुए हैं। सो पनीर क्यूब्स तो हमने काट कर तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल, इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर। फिर इसमें डालेंगे 3/4 कप कॉर्नफ्लावर, आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। तो अब डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून देगी मिर्च, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, इसे कलर लाने के लिए ऐड करा जाता है। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैगी मैजिक मसाला, बाजार में मिलने वाले हर केएफसी पनीर में इसे डाला जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो टोटली स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। फिर इसमें डालेंगे एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो कि है ड्राई मिंट, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ड्राई मिंट यानी कि सूखी पुदीने की पत्तियाँ मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला देंगे ताकि इनमें फ्लेवर्स आ सके। और अब धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो कॉर्नफ्लावर एंड मैदे का घोल है वो हमें ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला, हमें इसे मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना होगा। इसलिए यहाँ पर जो पानी है वो धीरे धीरे करके डालें और इसे कंटिन्यूसली विस्क करते रहें, क्योंकि हमें बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही एकदम स्मूथ एंड सिल्की लगने लगे यानी कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम सही है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आता है रेसिपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर जो हम ड्राई कोटिंग तैयार करेंगे केएफसी स्टाइल पनीर को क्रिस्पी करारे बनाने के लिए, उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स और साथ ही साथ में हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। जी हाँ, हम इस रेसिपी में दोनों इस्तेमाल करने वाले हैं और यही एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है जो कि मार्केट में यूज करा जाता है, तभी उनके जो केएफसी पनीर है वो इतने ज्यादा क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होते हैं। ये दोनों ही मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए एक बोल लेते हैं और उसमें ट्रांसफर कर देंगे कॉर्नफ्लेक्स। अभी यहाँ पर सारे कॉर्नफ्लेक्स को एक साथ ऐड ना करें, मैंने यहाँ पर इसे बैचेस में ऐड करा है। इसे कंटिन्यूसली क्रश करेंगे और बहुत ही बारीक बना देंगे पाउडर जैसा, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कितनी ज्यादा सैटिस्फाइंग है। और जैसे ही अच्छी तरह क्रश हो जाए फिर ऐड करेंगे बाकी के बचे हुए कॉर्नफ्लेक्स।
और उसे बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना है। ऐसा करने से पनीर केएफसी में टेक्सचर जो है वो काफी अच्छा आता है। तो हमारे कॉर्नफ्लेक्स तो क्रश हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करते हैं ब्रेड क्रम्स। ये मैंने मार्केट से परचेज करे थे, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। आप कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए, उसे तवे पे गरम करिए और उसे मिक्सी में चला दीजिए और आपके ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला देंगे, सो अब हमारी ड्राई कोटिंग भी बनकर तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो अब आती है एकदम इम्पोर्टेंट स्टेज, जिसपे हमें यहाँ पर पनीर को कोट करना होगा। सो अब हम लेंगे एक पनीर क्यूब और राइट हैंड को यूज करते हुए इसे वेट कोटिंग में डिप कर देंगे अच्छी तरह, और जैसे ये बढ़िया तरीके से कोट हो जाए उसे राइट हैंड से ही ड्राई कोटिंग में ट्रांसफर कर देंगे और अब लेफ्ट हैंड से इसके ऊपर कोट करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा कोटिंग जो है ड्राई वाली वो इसके ऊपर डालना शुरू करिए और फिर लेफ्ट हैंड से बोल को शेक करते हुए आगे पीछे घुमाते हुए इसे पूरा कोट कर दीजिए। और लीजिए, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये कोट हुआ है। अभी हमने इसकी सिर्फ वन टाइम कोटिंग करी है। सो बेसिकली करना ये है कि हमें एक पनीर क्यूब लेना है, उसे मैदे एंड कॉर्नफ्लावर के बैटर में अच्छी तरह डिप करेंगे और उसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे वेट कोटिंग में जो हमने कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड क्रम्स से बनाई है। ड्राई कोटिंग में जब पनीर कोट हो जाए तो उसे एक मिनट के लिए रेस्ट करने दे। तो मैंने सारे पनीर क्यूब्स को वन टाइम कोट कर लिया है, यहाँ पर मैं इनकी दोबारा कोटिंग करूंगी। और यही एक और सीक्रेट है, बाजार में जो KFC पनीर मिलते हैं कि वो इतने क्रिस्पी होते हैं कि खाने में मजा आ जाता है। अगर आप एक टाइम कोट करेंगे तो जैसे ही आप इसे ऑयल में फ्राई करेंगे काफी सारी कोटिंग तो तेल में ही निकल जाएगी और पनीर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनकर तैयार होंगे। तो दोबारा कोट करने के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस यूज करा है। आप देख सकते हैं सारे पनीर सेकेंड टाइम कोट हो चुके हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने वाली हूँ। ऐसा करने से होगा ये कि जो कोटिंग है वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी और ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो जब तक ये 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रेस्ट करते हैं, तब तक हम बना लेते हैं डिप जो कि हम इसके साथ सर्व करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून मेयोनीज। मैंने यहाँ पर एगलेस मेयोनीज का यूज करा है। फिर इसमें डालेंगे 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो केचप। आप चाहें तो थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं अगर आपको एकदम टैंगी मेयोनीज डिप खाना पसंद है। इसे एक बार अच्छी तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ मैंने इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसमें डाला है ड्राई पुदीना। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी डिप भी बनकर तैयार है। अब चेक कर लेते हैं अपने पनीर। तो आप देख सकते हैं पनीर एकदम अच्छी तरह सेट हो चुके हैं और ये फ्राई जब होंगे तो एकदम बढ़िया निकल कर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसे 200 डिग्री सेल्सियस में बेक भी कर सकते हैं जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मैं यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में बहुत सारा ऑयल लिया है और इसे हाई फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी करारे होने तक हमें फ्राई करना है। सो एक एक कर पनीर नगेट्स तेल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप नए हैं तो किसी स्पैचुला की मदद से भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं, तो 3 मिनट के अंदर ये गोल्डन क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपका जो KFC पनीर है वो एकदम ऑयली बनेगा और अंदर से एकदम ड्राई हो जाएगा। और आप देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं, कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी KFC पनीर एकदम क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैंने इस वीडियो को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी है, तो आपको मेरी मेहनत एंड वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि एज अ मोटिवेशन काम करता है। गर्मा गर्म सर्व करिए, आप चाहें तो इसे पार्टी में एज अ स्टार्टर सर्व करिए। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो में यूज करे सारे इक्विपमेंट्स के सारे इंग्रेडिएंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। बाय बाय।